अंजड़ में नवागत थाना प्रभारी सितौले ने थाने की कमहाल संभाल ली है। टीआई तारा मंडलोई का स्थानांतरण जुलवानिया हो जाने से सोनू सितौले को अंजड़ थाने की कमान सौंपी गई है। थाने की कमान संभालते ही थाना प्रभारी सितौले एक्शन में आ गए हैं। थाना प्रभारी ने पहली प्राथमिकता महिला अपराध को दी है। उन्होंने अपने सख्त रवैये में बताया कि महिला अपराध पर हमारा फोकस रहेगा, शांति व्यवस्था बनाए रखने पर रहेगा। अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ ही अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा थाना क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुधारा जाएगा। अवैध गतिविधियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाने पर आने में किसी को समस्या का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही थाना प्रभारी सितौले ने थाने में पेंडिंग अपराधों की जानकारी भी ली। मैम, आज आपने पदभार ग्रहण किया है, क्या गतिविधियां रहेगी आगे पुलिस की? आज मैंने ठिकरी थाने से ट्रांसफर होने के बाद अंजड़ थाने में पदभार ग्रहण किया है। अंजड़ थाने में जो मेनली समस्या मैंने देखी है सबसे ज्यादा कि वो है अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था, तो प्रयास किया जाएगा कि उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। साथ ही जो आम नागरिक है उसे थाने पर आने में कोई समस्या ना हो, उसकी जो भी समस्या है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। महिला अपराधों पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी अवैध गतिविधि जो है वो थाना क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टाइमेट मध्य प्रदेश के लिए अंजड़ से रोहित मंडलोई की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अंजड़ में नवागत थाना प्रभारी सितौले ने थाने की कमहाल संभाल ली है। टीआई तारा मंडलोई का स्थानांतरण जुलवानिया हो जाने से सोनू सितौले को अंजड़ थाने की कमान सौंपी गई है। थाने की कमान संभालते ही थाना प्रभारी सितौले एक्शन में आ गए हैं। थाना प्रभारी ने पहली प्राथमिकता महिला अपराध को दी है। उन्होंने अपने सख्त रवैये में बताया कि महिला अपराध पर हमारा फोकस रहेगा, शांति व्यवस्था बनाए रखने पर रहेगा। अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ ही अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा थाना क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुधारा जाएगा। अवैध गतिविधियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाने पर आने में किसी को समस्या का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही थाना प्रभारी सितौले ने थाने में पेंडिंग अपराधों की जानकारी भी ली। मैम, आज आपने पदभार ग्रहण किया है, क्या गतिविधियां रहेगी आगे पुलिस की? आज मैंने ठिकरी थाने से ट्रांसफर होने के बाद अंजड़ थाने में पदभार ग्रहण किया है। अंजड़ थाने में जो मेनली समस्या मैंने देखी है सबसे ज्यादा कि वो है अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था, तो प्रयास किया जाएगा कि उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। साथ ही जो आम नागरिक है उसे थाने पर आने में कोई समस्या ना हो, उसकी जो भी समस्या है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। महिला अपराधों पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी अवैध गतिविधि जो है वो थाने क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टाइमेट मध्य प्रदेश के लिए अंजड़ से रोहित मंडलोई की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।